सुबह इस टाइम दिन के बज रहे 12। हमारे तरफ साथ सभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह अपन गोरी पका रहे रोटी, तो उसी के बाद मतलब रोटी शोटी खाते हैं, फिर काम आपको दिखाते हैं काम कितना हुआ कितना नहीं। तो अभी जाते हैं काम करते हैं, तो उसी के बाद पैसे खाना खाएंगे। तो आज पानी खत्म हो गया तो उस वजह थोड़ा बहुत आज भी काम रुक गया। तो अभी मैंने फोन कर दिया 5-10 मिनट में, वो टंकी वाला भाई आ रहा है, तकरीबन घंटा हो गया है, तो अभी आ जाएगा। तो इतने तक हम काम कर रहे थे, तो अब मतलब काम थोड़ा रुका है, तो उन भाइयों को मिस्त्री को मैंने कहा अपन जाओ खाना खा के आओ, तब तक वो पानी आ जाएगा तो पैर मतलब काम रुकेगा नहीं, काम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह मैंने किया है। तो ये देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी को पका दी है, एक ये दो, तो दो मजदूर इधर हैं, उनकी भी रोटी इधर होगी, तो दो जो मिस्त्री हैं वो उधर खा के आएंगे क्योंकि उनका घर नज़दीक है। दो जो मजदूर हैं उनका घर इधर नज़दीक नहीं, तो उससे ज़्यादा खाना हम खिलाते हैं। सही गोरी बेटी क्या है, क्या बेटी ओए रो रहा है, ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो, क्या कर रही हो, ओए गुस्सा कर रही हो? नहीं नहीं गुस्सा नहीं करेगा, क्यूट सा गुड़िया है। और ये देखा माशाल्लाह बहुत प्यारी रोटी गोरी ने पका दी है। तो बस अभी दो तीन दिन के बाद फारिग हो जाएंगे, तो उसी बाद ये सारा सेटअप अच्छे से बनाएंगे, चूल्हे वगैरह नहीं गोरी। तो आपने मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि काम कितना हुआ कितना नहीं। तो आज काम माशाल्लाह अच्छा खासा निकल गया है, तो शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो दीवार है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये वाली दीवार है ये इतनी बड़ी हम करवा रहे हैं तकरीबन 6 फुट की, तो इतनी तक मतलब ये डबल इस तरह की ईट लगी, उसी बाद आगे सिंगल आएगी, तो सिंगल के बाद मतलब 5-5, 6-6 फुट मेरे ख्याल से पील पाई आएंगे, तो इस तरह ये दीवार बनेगी। तो इसी से मतलब दीवार हमारी अच्छी भी लगेगी, मजबूत भी हो जाएगी, क्योंकि ये तकरीबन 4 फुट ने हमने 4 फुट करवाई है मतलब डबल ईट पे ऐसी। तो अब जो हम करवाएंगे ना वो तकरीबन 2 फुट वो हम करवाएंगे सिंगल पर्दी, तो 6 फुट की दीवार करवा रहे हैं इतनी बड़ी। माल कौन सेट कर दिया, बस अपन पानी डालेंगे, पानी कुछ पड़ा है अगर वो उस आ गए तो मतलब थोड़ा सा माल भिगाएंगे, मतलब काम चलाएंगे बाकी, और मतलब वो टंकी लेके आएगा। तो उसी बाद क्योंकि दोनों हमारे कुएँ हैं वो हो गए खाली, बिल्कुल पानी नहीं है दोनों कुओं में, इसमें भी नहीं है इसी में भी नहीं है, तो अभी आ जाए तो उसी बाद दोनों कुओं में पानी डलवाते हैं। तो वो वाली दीवार वो इतनी दिलवा रहे हैं, उसी के बाद मतलब ये वाली दीवार ये दिलवाएंगे, ये वाली जो दीवार है ये इतनी बड़ी होगी, तो उसी के बाद पैर मतलब इधर आगे लेके आएंगे, तो चारों तरफ इतनी बड़ी दीवार करवाएंगे, तो उसी के बाद ऊपर जो रहती है मतलब 2 फुट सिंगल पर्दी वो बाद में दिलवाएंगे। गेट ना हम गाइस इधर छोड़ेंगे क्योंकि हमारी जो घंटी है मेन घंटी 15 फुट की वो इस तरफ है। दूसरा कैन भी गाइस हम लेके आए, तो आज काम माशाल्लाह अच्छा खासा निकल रहा था क्योंकि ईंटें ज़्यादा बिग रही थी, तो उससे ज़्यादा काम अच्छा खासा निकल रहा था। ये अभी हमने भिगा दिए तो पानी थोड़ा कम है, तो उससे हो जाता है, तो अब मेरे ख्याल 10-15 मिनट में वो भाई आ जाएगा, तकरीबन कोई घंटा हो गया है, तो मैंने कॉल की वगैरह, बस मैं अभी पहुंचने वाला हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आज ही ये वाली दीवार ये कंप्लीट हो जाएगी, मतलब अब ने कोई एक मतलब सारी आएगी तो उसी बार ये दीवार कंप्लीट हो जाएगी, पैर वो वाली दीवार वो भी इतनी हो जाएगी, तो मतलब पैर वो रहेगी। मेरे ख्याल 2-3-4 दिन में ये काम हो जाएगा। तो दो मिस्त्री दो मजदूर मैंने कहा इसलिए लगवाए हैं कि मैं कहता हूँ कि जल्दी काम निकल जाए 2-3-4 दिन में, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मिस्त्री देने का इसको मैंने कहा काम मुझे जल्दी निकाल के दें, मैंने दो मिस्त्री लगाए दो मजदूर, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में ये 3-4 दिन में ये काम हो जाएगा, तो अभी देखते हैं 3-4 दिन में काम होता है कि नहीं। उस्ताद आज तो काम निकला ही नहीं, आज काम तो नहीं निकला, आज अभी निकला पानी नहीं था। अच्छा अच्छा उस वजह से वैसे थोड़ा काम ढीला नहीं था, ढीला काम नहीं थोड़ा सा ढीला था, तो मंड के रखो ना। अभी उस्ताद आ रहे हैं मंड के रखते हैं ना, ठीक है ना। हाँ जल्दी जल्दी काम करो, 2 फुट मेरे ख्याल नीचे जाएगा तो उसी के बाद ऊपर आएगा, तो तकरीबन फुट या आधा फुट भराई भी हो जाएगी। ये वाली जो रेत नहीं ये उठा के इस तरफ हम डालेंगे तो तकरीबन 3-3.5 फुट मतलब नीचे चली जाएगी रेत में, बाकी जो ऊपर दीवार होगी। ये वाली जो रेत ये बहुत ही बुरी लग रही है, इसी को ना इंशाल्लाह 2-3 दिन में सारी हटा देंगे, ज़्यादा तक मतलब डल जाएगी, जैसे इस माल में डाल रहे हैं तो ये वाली इतनी मतलब डाल दी तो ये थोड़ी नीचे हो गई, तो ये जो आगे वाली रेत ये आंगन के बराबर करेंगे। टमकी क्या ले, ओए टमकी क्या ले, कहाँ भाग रही हो, हाँ इधर आ जाओ, खाना शाना खाया नहीं। पीछे की साइड जो रेतन का इसी को ना हम हटा देंगे, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये दीवार से ऊपर हो गई है। गाइस ट्रैक्टर पे मतलब अच्छे से भराई नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत मतलब कोडर पे करनी पड़ती है। ये वाला गंद कचरा पड़ा ये भी गाइस हम हटा देंगे, सिर्फ इसी काम से ना हम फारिग हो जाएं। ये मुर्गे दोनों अंदर चले गए, निकलो बाहर निकलो निकलो, ये दरवाज़ा का दे देते हैं वरना मुर्गे ना अंदर चले जाते हैं। आ जा बस सही, भाग जाओ अभी तक तो हमने खाना नहीं खाया। और इन्हें गाइस दो रोटी पका दी है तीसरी तय पे, तो इसी तरह 3-4 रोटी पक जाए उसी के बाद उन भाइयों को देते हैं खाना, फिर हम खाएंगे। थे गोरी और पहली बार ना एक हमारा बहन था या भाई था वो कमेंट कर रहा था कि आप ना अंडे फ्राई करके खाते हो, तो उसी को ना आपने आलू दिए गोरी और पहली बार गाइस ऐसे हमने ये सोचा कि आलू फ्राई करते हैं तीनों खाते हैं, लेकिन फिर देखा कि आलू कम हो रहे थे, तो सोचा उस भाई को आलू हमने दे दिए पहले, तो उस वजह से हमने मतलब अंडा फ्राई किया तो अंडे पड़े थे। क्या तुमने बेटी क्या बोल रही हो,
क्या इधर देखो, दे दे ना इसको, क्या बोल रही है पता नहीं। इसको दिया करें, रोटी खाती है क्या, रोटी खाती है। और आज का एक गुड न्यूज है तमिला बेटी के लिए, गोरी के लिए, तो बहुत दिन से जिस चीज़ का वेट था तो वो आज आ गई है। तो बहुत दूर से मतलब एक गिफ्ट आया है, तो वो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, अब बस पानी वाली टांकी आ जाए तो उसी बार मैं जल्दी जाऊँगा, तकरीबन आधे घंटे घंटे में मैं वापसी आ जाऊँगा। कोई गिफ्ट गोरी के लिए, तंजला बेटी के लिए, वो कहाँ से आया, बहुत दूर से आया है, तो वो वीडियो आप गाइस देखना, आपको पता चल जाएगा। तो कौन सा गिफ्ट है, क्या क्या है, वो आपको सारा अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। सही भाई, मुझे नहीं गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार हमें एक गिफ्ट आ रहा है, वो बहुत दूर से गिफ्ट आ रहा है। चलो इसमें अगर मेरा कुछ नहीं होगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। यकीन करें गाइस, जो गिफ्ट की जो खुशी होती है ना, वो इतनी खुशी नहीं मतलब होती नहीं है, मतलब किसी और चीज़ की। तो तंजला बेटी आज ना आप खुश हो जाओ क्योंकि आपके लिए गिफ्ट आ रहा है। आपको पता है कितनी पक गई, एक दो तीन, तीन ये चार, तो तकरीबन दो और पक जाए, छः रोटी भाई को देते हैं, वो खाएंगे, तो फिर अगर और खाएंगे तो और भी हम देंगे। तो टांकी वाला ना आ गया, इधर खड़ा है, तो अभी नहीं इधर से आएगा। मैंने कहा इधर से आएँ, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इधर मतलब आगे ईटें वगैरह नहीं है, तो इधर यू टर्न करके मतलब सही से पानी डाल दो, इधर थोड़ा पैर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये वाला रास्ता तो सही है, लेकिन इधर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब गौरी मुझे बार बार कह रही है, जाओ जाओ आप पार्सल लेके आओ। गौरी इतनी खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों होगी खुशी, क्योंकि पार्सल लेके आए थे। और गौरी को ना सिस्टर ने बताया नहीं कि पार्सल में क्या है क्या नहीं है, तो अभी खुद ने ओपन करेंगे तो पता चलेगा कि पार्सल में क्या सिस्टर ने भेजा है, और बहुत दूर से भेजा है, वो आपको दिखाएंगे कि कहाँ से भेजा है। ऐसा हुआ, टांकी ने आ गई, पानी हमने उतरा दिया, ये वाला कुआं इतना हुआ है, ये वाला कुआं हमने फुल करवा दिया है। तो तीन हिस्सा मैंने, चार हिस्सा हमने पानी का किया है, तो उसमें तकरीबन एक किसान जैसे भाई ने रखा है, तो ये अपने कुएं में डलवाएगा। तो मतलब तीन हिस्से पैसे मैंने दिए, एक हिस्से का मतलब ये भाई पैसे देगा। माशाल्लाह पानी छका हो गया है, वरना ये मतलब कुआं फुल हो जाता है, पैर पानी बच जाता है। तो ये हम सारी दिलवाएंगे ना ऊपर से, इतनी बड़ी, तो पैर मतलब पानी बचेगा नहीं, ये टांकी कंप्लीट आ जाएगी। और गौरी मेरे से पहले खाना खा रही है, वो भी भाई खा रहे हैं, तो अब मैं खाना खाता हूँ, इनको ना थोड़ा सालन दे दूँ। और मुझे ना सेम गाइस ये देगड़ी मिली है, इसी से काम चलाते हैं। ये वाले काम हो जाएगा, थोड़ा काम तेजी से जा रही है, अभी तक हम काम कर रहे हैं। तो पानी ना आ गया है, तो सबसे पहले हमारे लिए मसला था पानी है, तो पानी हल हो गया है। ये वाला जो कैनन गाइस, ये हम खाली करके उधर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो वाली जो दीवारें वो इतनी बड़ी देंगे, उसी बात वो आगे वाली जो दीवारें वो इतनी बड़ी देंगे, उसी पानी उठा, पानी उठा। उसी के बाद पैर मतलब वो सिंगल पर दी नहीं, वो उसके ऊपर देंगे, तो ये ना हो जाती है तकरीबन चार फुट, तो दो फुट ना हम ऊपर देंगे सिंगल पर दी। तो ये वाले कैन पर ऐसे में पानी पानी डाल देते हैं, अभी ये डालते हैं पानी, देखना। हाँ जल्दी जल्दी डालना, अभी ये पानी डाला, नीचे नहीं गिराओ, नीचे नहीं गिरना है। हाँ पैसों का आया है पानी, अभी ये हाँ हो गया, इधर से इधर हो गया भाई। तो अपने ये बंदा ऐसे ही कैन को लेके आ रहा है, अभी रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसमें डालो पानी, पानी थोड़ा कम हो जाए उसी बार इस कैन को ऊपर ऊपर लेके जाएंगे दोनों। सही है, आपको पता है दोनों में ताकत ज़्यादा है, आपको पता है ना, बिल्कुल खाली करेंगे तो उसी बार खाली जो कैन होगा उसको लेके जाएंगे, हमारे ताकत ज़्यादा है। पानी निकाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल थोड़ा कोई पानी रह गया है, उसी बार ये कैन उधर लेके जाएंगे, तो उधर ईटें भिगानी है। अब ये क्या पानी, इधर पानी भी भाई बलोचिस्तान से आता है, कैसा पानी है। हाँ ये कलर वाला है भाई, ईटों का कलर है ना, वो मतलब पानी ये, तो ईटों ने कलर छोड़ा है, तो पानी हो गया लाल। ये ले उसका, ये सर डाल दे, पानी डालते हैं सर, देख ये ऐसा क्यों है, कलर डाला क्या, नहीं कलर नहीं है ये, ठीक है ना, वो उससे पानी वो डाला है, नहीं नहीं ईटों ने कलर छोड़ा है, ये रंग छोड़ा है, हाँ इसको कलर किया हुआ है ना, अंदर शुरू भी उनको कितना हाल दो यार, कहाँ अंदर ईटें, एक कोई दो होगी, ज़्यादा नहीं होगी, दो या तीन, तीन से ज़्यादा नहीं होगी ईटें, देख ले निकाल ले पैर, अभी पहुँचता नहीं बंदा कैसे निकाले। चल भाई चल, हाँ अभी खाली करो, मैंने आपको कहा ना बिल्कुल खाली करना पड़ेगा कैन को, इस तरह तेज़ी से काम ना हो रहा है, तो इस दीवार को ना हम शाम तक कोशिश करते हैं इसके बराबर कर देते हैं, फिर वो वाली दीवार रहेगी तो उसी को मतलब इसके बराबर करेंगे, तो चार फुट की हो जाएगी, फिर दो फुट की सिंगल पर दी होगी, वो ऊपर में ऊपर वो बाद में देंगे। तो उसी तरह अभी उस्ताद मालक को सेट कर रहा है, उसी ऊपर ने ईटें डालेगा, तो ईटें ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा निकाल दी, ये पड़ी है, ये पड़ी इधर आगे पड़ी है, छोटे कहने मेरे ख्याल है ऐसी में पड़ी गाइस, ये निकाल देते हैं, तो उसी बाद मैं जाऊंगा शेयर, जैसे गाइस मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा काम है शेयर, तो वो मैं तकरीबन मेरे ख्याल से 40 मिनट या आधे घंटे में मैं वापसी आ जाऊंगा। और इसी कैन में गाइस पहले दिन हम ले गए तो कम ईटें आ रही थी, तो उस वजह से हम बड़ा कैन ले गए थे, इसमें ज़्यादा ईटें आती है, तो काम माशाल्लाह अच्छा खासा निकल जाता है। ये सारी टूटी हुई ईटें आ रही हैं, क्या मसला है, इसमें गाइस है सारी टूटी हुई ईटें, तो उस्ताद को ये बड़ी बड़ी ईटें देते हैं, साथ जो ईटें ये लो उस्ताद,
सही हो गया। ये ले, ये थोड़ी बहुत पहले निकाली है, सूख गई है। ये ले, ये ले, ये ले, आ ज्यादा तो टूटी हुई है सागर कम में। मुझे लगता है कल ये बंदा नहीं आएगा। एक कल इनके साथ जो एक बंदा आया था ना, वो गाइस नहीं आया आज, तो आज दूसरा पैर लगाए। आएगा सुबह सुबह, जल्दी आना सूरज निकलने से पहले, सही है ना। कल जो गाइस एक बंदा आया था ना, वो आज नहीं आया है, तो एक बंदा मुझे ऐसे लगता है आज आए कल नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत काम ज्यादा आता है तो फिर आते नहीं है, पता नहीं क्यों। भाई उस बंदे क्या हो गए, बीमार हो गए क्या? उसको जुलाब लगे हुए घर पे। घर पे भाई हुआ है। कल मिर्च खिलाए थे क्या? मिर्ची खिलाई थी ज्यादा। तो उस वजह से गाइस वो बंदा नहीं आया है, तबीयत सही नहीं थी। खड़े करीब से चला जाता। हाँ इधर खड़ा बहुत है, नहीं टेंशन नहीं, वाशरूम बाथरूम का। आपको जुलाब नहीं लगे अस्पताल? नहीं नहीं, ये काम वाला बंदा, ये ऐसा नहीं करेगा। वो एक बंदा नहीं आया उसका। तो वैसे अभी मैं निकल रहा हूँ शहर की तरफ, तकरीबन मैं ना आधे घंटे में वापसी आ जाऊँगा, तो इतना ज़्यादा कोई काम है नहीं, तो थोड़ा सा काम ही, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, तो वो काम करके पैर वापसी जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो जैसे गए बस उठाते हैं, तो बस में ना बाइक के कागज़ भी हैं और क्या है गाइस सेनासी वगैरह ये मतलब लेते हैं।